जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके परिवार कैरियर क्राफ्ट में। साथ ही आज का जो हमारा सेशन है ये लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी और ये साथी आपके कैलकुलेशन को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सभी साथी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आज मैं चर्चा करूंगा स्क्वायर के बारे में। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, जितना बड़ा नंबर होता हुआ जाता है उतना ही हमें उस कैलकुलेशन को करने में साथी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को साथी मद्देनजर रखते हुए लगभग 4 से 5 मिनट में साथी आप स्क्वायरों के बारे में सीख जाएंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं साथी स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या, स्क्वायर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सेम टू डिजिट का मल्टीपल। सेम टू डिजिट का मल्टीपल साथी बनेगा वहां पर क्या बनेगा, आपका स्क्वायर बनेगा। मतलब मैं यह कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, मैंने यह मान लिया पहली संख्या कोई x है और दूसरी भी साथी संख्या सेम बनेगी तो वहां क्या बनेगा, ये आपका x स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो आपका स्क्वायर नगर जो नजर आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, यही आपका क्या है, स्क्वायर है। तो कैसे आप चीजों को सीखेंगे, तो स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा। सेम टू डिजिट का मल्टीपल साथी आपका क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो जी हाँ, मैं बात करूंगा स्क्वायर के बारे में आपसे और मेरे साथी यहां से आप चीजों को ये सीखेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई आपको मैं स्फीयर 4 पार्टों में डिवाइड करके सिखाऊंगा। ये पार्ट आपका साथी ये रहेगा, ये तो 0 से 25 है, ये साथी 25 से है आपका 50, तीसरे पार्ट में आप देखेंगे 50 से 75 और चौथे पार्ट में देखेंगे 75 to 100। अब मेरे प्यारे भाई, अब इन 4 पार्टों में इन स्क्वायरों को बेहतर तरीका से करना सीख जाएंगे और रटने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में कहानी खत्म। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना यहां पर, अब मेरे प्यारे बच्चे हम इस चीज को पढ़ेंगे, देखो पहले पढ़ेंगे साथी इसको और बाद में पढ़ेंगे इसको। मतलब कहानी स्टार्ट करूंगा साथी में 25 से 50 की और उसके बाद में साथी हम सीखेंगे 25 से 100, बाकी को इन दोनों को साथी आसानी के साथ में हम बनाना सीखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात ये बता, ये 50 का बेस क्या है, आप कहोगे सर 25। 50 का बेस क्या है, आप कहोगे सर 25। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं साथी 50 के नियर 50 के नजदीक यदि कोई स्क्वायर बनता है तो साथी ये आपका बेहतर तरीका से काम करेगा। ये नहीं कि यदि हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो काम नहीं करेगा, काम करेगा, पर जितना नीचे आते जाएंगे उतना कैलकुलेशन साथी आपकी इसमें भी बढ़ती हुई जाएगी। पर मकसद हमारा सिर्फ एक ही है, कैलकुलेशन को आसान करना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साथी यदि 50 से मैं कोई भी संख्या कम लिखूंगा तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस बनेगा इसका नेगेटिव, और यदि कोई संख्या 50 से ऊपर लिखूंगा तो इसका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे साथी अपने दिमाग में एक बात ये सेट कर लेना, डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी होता है और डिफरेंस आपका क्या साथी, नेगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है साथी पॉजिटिव और नेगेटिव इस वाले नंबर पर के भाई, इससे नंबर यदि हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज है और यदि इससे 50 से ऊपर जाएंगे तो साथी इंक्रीज है। अब मैं आपसे एक बात यह कहना चाह रहा हूं, मैं चल रहा हूं डिक्रीज की तरफ। साथी ये आपका हो गया 49 का स्क्वायर, ये आपका 48 का स्क्वायर, ये 47 का स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चे इसी हिसाब से आप आएंगे तो यहां पर आप एक बात देख पाएंगे कि भाई आप कोई से भी स्क्वायर को आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको करना कुछ नहीं, मेरे प्यारे भाई आपको डिफरेंस लेना। तो आप एक चीज यहां पर देखेंगे सभी मेरे प्यारे भाई कि सर 50 में और 49 में एक का अंतर है। तो मेरे प्यारे भाई 50 से संख्या छोटी है, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं आपका जो डिफरेंस है वो साथी जो कैसा है वो नेगेटिव है। यदि 50 से ऊपर जाऊंगा तो आपका जो डिफरेंस आएगा साथी वो क्या आएगा, आपका प्लस का आएगा। और ये जो डिफरेंस है ना, इसकी पूरी कहानी साथी किस पर डिपेंड करेगी, इस 25 पर डिपेंड करेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा तो साथी 25 में हमेशा ऐड होगा और डिफरेंस आपका नेगेटिव बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चे 25 में से आपका नेगेटिव हो जाएगा। सीख जाओगे ये मैं विश्वास दिलाता हूं, बसर से एक बार साथी कैरियर क्राफ्ट में मैथ पढ़ लेना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कितने का अंतर है, आप कहोगे सर इसमें जो अंतर है ना वो किसके, आपका कितने का है, एक का है। आपको एक बात याद रखनी है साथी, इस डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना है, इस डिफरेंस का क्या करना है आपको स्क्वायर, और जो साथी है इसका स्क्वायर बनेगा ना आपको 2 डिजिट में लिखना है, मतलब इकाई और दहाई में लिखना है साथी, कितने डिजिट में, 2 डिजिट में, कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। अब यदि ये चीज समझ में आ गई ना तो साथी स्क्वायर की कहानी खत्म। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इसका आप साथी स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर एक का स्क्वायर तो साथी एक होता है,
पर मैंने ये कहा साथी आपको इस नंबर को टू डिजिट बनाना है, तो एक से पहले आप क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे, साथी टू डिजिट नंबर हो गया। गलती मत कर देना, एक के पीछे जीरो मत लगा देना, बात खराब हो जाएगी। कितने की कमी थी, आप कहोगे भैया एक की कमी थी, 25 में से एक कम कर दोगे साथी कितना बनेगा, 24 जीरो। अब यहां पर देखोगे आप 48 और 50 में डिफरेंस कितने का, आप कहोगे सर डिफरेंस है 2 का। इसमें आप जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है साथी, टू डिजिट करना है, 0 4 हो गया। कितने की कमी थी, 2 की साथी, इसमें से आप 2 माइनस कर दो। कहानी समझ में आ गई होगी, 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर 9 होता है साथी, टू डिजिट नंबर बनाना है, 0 9 हो गया, 25 में से 3 माइनस कर दूंगा साथी, अब 22 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे जी 4 का, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो मेरे प्यारे भाई ये टू डिजिट नंबर है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं, 16 का 16 हो गया। कितने की कमी थी, 4 की, आप कहोगे भैया 21 में से ये 21 हो गया, 25 में से 4 गया 21। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो साथी डिफरेंस कितने का बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और साथी 20 में से आपका जाएगा 5, तो कितना बनेगा, 20 बन जाएगा। अब यदि एक चीज और मेरे साथी लगे हाथ, यहां पर मैं आपको बता देता हूं 5 का स्पेशल रूल्स, मतलब मेरे साथी यदि कोई भी आपका स्क्वायर है और उसका आपका यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से इस तरीके को भी लगाकर आसानी के साथ में स्क्वायरों को सीख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा इससे पहले जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, इससे अगले नंबर से मल्टीपल करना, 0 में 1 का गुणा करूंगा 0 बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 25 हो गया। मैं बात कहूंगा यूनिट डिजिट इसका कितना है, 5, तो 5 का तो मेरे प्यारे बच्चे 25 होता है, और मैंने बताया था इससे जो अगला जो साथी नंबर है उससे आपको गुणा करना है, 2 × 1 = 2 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यही कहानी इसके साथ होगी, मैंने कहा आपसे यूनिट डिजिट का मेरे भैया स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, आप कहोगे जी 25। मैंने बताया इससे जो अगला नंबर है ना साथी, उससे अगले नंबर से मल्टीपल, 2 से अगला नंबर 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। यदि आपसे कोई कहे कि भाई 105 का स्क्वायर बता दो, तो आप ये कहोगे भैया आपने बताया यूनिट डिजिट का स्क्वायर तो 25 होता है, और 10 से अगला नंबर क्या होता है साथी, 11। 11 में 10 का गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 11025। तो आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते थे 5, तो 5 का साथी स्क्वायर कितना बनेगा, 25 बनेगा, और 4 से अगला नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चे, 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे आप निकालो 42 का, तो 42 में आप क्या करोगे, आप कहोगे सर आपने एक बात बताया डिफरेंस को, 50 से मेरे साथी कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, टू डिजिट नंबर है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। मेरे प्यारे भाई आप 25 में से क्या करोगे, 8 आप माइनस करोगे, तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे भैया ये बनेगा जी आपका, कितना माइनस करना है, ये आपका 42 है, और कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 17 64। अब एक चीज और आ गई, जैसे कोई कहे कि भाई अब वो एक बात बताओ 39 का स्क्वायर कितना है, तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ कितने का अंतर है, आप कहोगे भैया 11, तो 11 का भी साथ ही आपको बता देता हूं, ये स्पेशल रूल्स ऑफ वन है, ये जैसे 11 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई, यहां पर 111 का स्क्वायर हो गया, यहां पर आप देखोगे 1111 का स्क्वायर हो गया। अब यदि कोई भी साथी स्पेशल रूल्स का निकलता है ना वन का, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक काम करेंगे क्या मेरे भाई, डिजिट कितनी है, आप कहोगे भैया डिजिट 2 है, तो आप 1 लिख दो, 2 लिख दो। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद में 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसको साथी क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उल्टा करेंगे, 2 से पहले 1 था। आप कहोगे भैया इसमें समझ में ही नहीं आया, तो सुन लो कितने डिजिट है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चे आप 1 2 3 यहां पर लिख दो, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसको उल्टा लिखना चालू करो, आप कहोगे भैया 3 के बाद 2 है, 2 के बाद में 1 है। अब मैं आपसे साथी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैंने ये कहा जी 11 है, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, आपको लास्ट के टू डिजिट नंबर के ही तो मैंने कहा था साथी 21 को पकड़ लो, बाकी का जो एक बचा है ना ये आगे के लिए कैरी हो गया साथी, ये हासिल चला गया। तो अब एक मतलब 25 में से यदि 11 जाएगा तो 14 ही तो बचेगा, और साथी एक ये था ये कितना हो गया, 15 हो गया। आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मेरे भाई मेरी बात सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूं, एक काम करो आप 38 का स्क्वायर बता दो, तो मेरे भाई एक बात है 50 में और 38 में 12 का अंतर, और 12 का इसमें सभी साथियों को पता है 144 होता है, तो मेरे साथी लास्ट के टू डिजिट पकड़ूंगा तो 44 हो गया, एक कैरी हो गया। अब एक बात है इसमें से 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, और 13 में साथी एक जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो ये कहानी थी साथी आपकी किसकी, ये 50 से नीचे वाले स्क्वायरों की। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का स्क्वायर करना है, टू डिजिट साथी आपको रखना है,
यदि 50 से कम है साथी डिक्रीज है तो आपको 25 में से माइनस करना है, बाकी के साथी आगे की कहानी। जैसे मैं आपसे यह कहूं मेरे भाई कि अब मैं चलूंगा जी 50-50, ये रिलेशन था 50-50 क्या था साथी, ये आपका 50-25 रिलेशन था, और 50 के लिए मेरे प्यारे बच्चे ये क्या था, 20 था। अब वो तो साथी हमने पढ़ लिए डिक्रीज वाले। जैसे मुझसे कोई कहे भैया कि आप मुझे जी 51 का स्क्वायर बता दो, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर बता दो, 55 का स्क्वायर बता दो, छोड़ छोड़ के मैंने बता दिया है, जैसे आप चाहते हो निकालना, 57 का स्क्वायर मुझे बता दो और 59 का भी स्क्वायर मुझे बता दो, और इस बार तो एक काम करो आप मुझे 60 का भी बता दो, 62 का भी बता दो। अब मेरे साथी मेरी बात को सुन लेना और ये कहानी यहां से आपके लिए रोगी क्या, मैंने आपके लिए बताया मेरे प्यारे भाई ये देखो कि आप 50 से ये कितना इंक्रीज है। आप कहोगे भैया ये तो पॉजिटिव वाला है, 50 से एक जाता है, तो मेरे भाई मैंने आपसे यही तो चीज कहा कि जो डिफरेंस आया है ना, जो अंतर आया है, आपको कुछ नहीं करना जी, उसका स्क्वायर करना है, और उस स्क्वायर को कितने डिजिटों में सेट करना है, आप कहोगे भैया 2 डिजिटों में सेट करना है। तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप कहोगे सर एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, मेरे भाई ये एक हो गया, पर मैंने तो ये बताया था कि आपको 2 डिजिट नंबर रखना है, तो आप कहोगे भैया ये 0 बन गया, कितना इंक्रीज था, आप कहोगे भैया एक ज्यादा था। तो मैंने आपको यही चीज तो बताया, डिफरेंस पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। अब जब डिफरेंस पॉजिटिव है तो साथी चीजें जुड़ेंगी, डिफरेंस नेगेटिव है तो चीजें घटेंगी। अब इसमें कितना ज्यादा था ये एक, तो मेरे प्यारे भाई अब 25 में एक लिख दो कितना होगा, 26। अब एक बात, 50 में और 52 में कितने का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर कर दो, आप कहोगे 4 भैया 0-4 कर दो, क्योंकि साथी जोड़ा चाहिए और स्क्वायर का मतलब भी जोड़ा ही होता है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो कितना ज्यादा था, 25 में 2 ज्यादा जोड़ दो, 27-04। अब मेरे साथी इसका जवाब आप बता दोगे कैसे, कितना ज्यादा है 5, तो मेरे साथी जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर हो गया 25। कितना ज्यादा था साथी, 5 ज्यादा था, 5 इसमें जोड़ दोगे 30-25 हो जाएगा। और वैसे मैं आपको 5 ऑफ स्पेशल रूल्स भी बता चुका हूं कि साथी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, और 5 से अगला नंबर 6, 5 साथी कितना हो जाएगा, 30। अब देखो इसका बताओ कितने का अंतर है, 7, तो 7 का स्क्वायर तो 49 ही तो होता है साथी, 49 हो गया, और इससे बढ़िया कोई बात नहीं, 2 डिजिट नंबर। कितना ज्यादा है 7, साथी 25 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। बात आ रही है साथी 59 की, कितना ज्यादा है मेरे भाई, 9 का तो 81 होता है, ये 2 डिजिट का नंबर है, बहुत अच्छी बात है। कितना जोड़ दूंगा इसके अंदर मेरे भाई, 9 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा साथी, 34 बन जाएगा, समझ में आ गई। 60 की बात आ गई, कितना ज्यादा है, आप कहोगे भैया ये 10 ज्यादा है, तो 10 का स्क्वायर तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को पता है कि ये 100 होता है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, तो मेरे भाई लास्ट के 2 डिजिट नंबर पकड़ लो सिर्फ, जो मैंने आपको बताया, ये जो एक बचाया है ना ये साथी आगे के लिए से, कितना ज्यादा था 10, 25 में 10 जोड़ा 35 और एक कितना हो गया 36, संतुष्टि हो गई मेरे भाई, 60 का स्क्वायर 36 ही तो होता है, 3600। कितने का अंतर है, आप कहोगे 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है मेरे भाई, 44 को पकड़ के रखो, बाकी एक आगे के लिए दे दो। अब आप 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 और एक कितना हो गया, 38 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथी इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि स्क्वायर का इससे शानदार तरीका कोई हो ही नहीं सकता। आप कोई भी चीज मेरे भाई यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं और चीजों को बना सकते हैं। यदि मेरे साथी वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर अवश्य करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो साथी आपको मिलती रहेंगी, परंतु आपके कमेंट साथी इंतजार है हमें कि आपके कमेंट भी आने चाहिए कि भैया ये वीडियो बड़ा शानदार लगी। जो पढ़ाऊंगा साथी ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये कैरियर क्राफ्ट परिवार है और इसकी पहचान साथी चीजों को एक बारीकी के साथ में और एक किताबी ज्ञान को साथी व्यवहारिक ज्ञान में देने की साथी पूरी कोशिश है, और वो ज्ञान जिससे साथी आपका सिलेक्शन हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।